जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजे स्टडी पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी जीडी यांत्रिक के पेपर। अभी हम दोस्तों 29 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए। जितने भी क्वेश्चन हमारे साथ कैंडिडेट ने शेयर किए हैं सारे क्वेश्चन पेपर का आपको रिव्यू इस वीडियो में दूंगा, वो भी सारे ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो देख लो आज का पेपर का लेवल कैसा था, जिनका भी नेक्स्ट डे पेपर होगा उनको कुछ आइडिया मिल जाएगा और उस तरह से आप लोग तैयारी कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। एक तारीख से दोस्तों यहाँ पे प्राइजे जो है बहुत सारे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, एफकेट के लिए, सीएपीएफ के लिए कोर्स, तो ले सकते हो। यहाँ पर 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 3 मंथ आप लोग को बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएंगे। SSB 6 मंथ पे 6 मंथ और 12 मंथ पे 12 मंथ। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बाकी बार टारगेट के लिए एनडीए बैच आप लोग ले सकते हो। अगर जितना मंथ का लेना है आप लोग ले लेना। लेते समय आप लोग को एक कोड यूज़ करना होगा, वो कोड है दोस्तों यहाँ पर आप लोग एसजे स्टडी यूज़ करना। एसजे स्टडी यूज़ करोगे तो आप लोग को 10 से 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा कोर्स का, जो ही प्राइस होगा उससे और सस्ते में कोर्स मिल जाएगा और आप लोग अपना तैयारी और बेहतर बना पाओगे। सभी कोर्सेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो मेरे भाई अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर अपडेट, हर नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल आप लोगों को सब कुछ टेलीग्राम पर सबसे पहले देखने को मिल जाता है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे आके एसजे स्टडी और ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन शेयर किया, सबसे पहले जीके के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दास कैपिटल बुक के जो लेखक है वो कौन थे, मोहिनी अट्टम डांस जो है किससे संबंधित है या कहाँ का ये डांस है वो पूछा गया था, पनामा कैनल कहाँ है, आधुनिक शिक्षा के जनक किससे कहा गया, तो ये सब क्वेश्चन जीके के अंदर पूछा गया था। उसके बाद आगे बात करते हैं मैथ और साइंस की, दाब का मात्रक पूछा गया था, 1/2 पावर बराबर कितना होता है वो पूछा गया था। उसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हो अगला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक से 3 क्वेश्चन थे, इसमें देख सकते हो एक माइनस क्यू प्लस क्यू एफ से ड्यूड्रोब अर्गन से एक क्वेश्चन ऐसे करके था, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² का रूट और लिमिट x → 0 साइन और 2x - 3 प्लस x/3 - 3 का ये करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में डायमंड के क्यून की था ऐसे करके क्वेश्चन। और उसके बाद 6 रेड 8 ब्लू और 9 व्हाइट बॉल की इसका प्रोबेबिलिटी निकालना था, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले थे। तो प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वर्क से यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल वर्क A+B बराबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेम कंसेप्ट से, इसी कंसेप्ट से 2 क्वेश्चन आप लोगों को टाइम एंड वर्क से देखने को मिला है। उसके बाद है एक्स का वैल्यू -1 फाइंड x³ और 4x² + 5 से ऐसे करके क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पर एक सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर 5 मंथ का 5% के रेट से 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद 216 को 25% लॉस में बैठा, 10% का प्रॉफिट के लिए कितने में बेचे कि इतना हो, ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे। रीजनिंग की बात करते हैं तो फिगर से 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में पैसेज ऑल के बारे में था और 5 क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद 5 स्पॉट्स इरोड से क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर द चिल्ड्रेन डैश इन द फील्ड नाउ ऐसे करके क्वेश्चन था। 1 एक्टिव बॉय से पूछा गया था, हेड वाला, ठीक है, आया था जो कि हेडविन होगा, और 1 डायरेक्ट व्हील का वुड और 1 साइनोनियम पूछा गया था प्रोपेल का और 1 एंटोनियम पूछा गया था। उसके बाद मैट्रिक्स था यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, और 1 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोला गया था और 1 का SQ मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है, तो ये चीज़ पूछा गया था। उसके बाद आगे बात करते तो वेव से 1 क्वेश्चन था, 1 लाइटर चैप्टर का तरंग देर से आया था क्वेश्चन, हुक्स का लो क्या होता है उससे 1 क्वेश्चन था, मध्य मेधक और बहुलक से रिलेटेड फॉर्मूले वाले वेव से 1 क्वेश्चन आया था, प्लान वेग से 1 क्वेश्चन आया था मेरे भाई। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर तो इतना क्वेश्चन हमारे साथ सीओर है। बाकी बात आप लोग बताना कि फर्स्ट शिफ्ट में और कौन से क्वेश्चन आए थे, अगर इसमें छूट गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा और आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जितने भी छूटे बड़े क्वेश्चन हैं सब कुछ टेलीग्राम में आप लोग को डाल दिया जाएगा। बाकी बात आपको पता चल गया कि पेपर जो था मॉडरेट लेवल के पेपर पूछे गए हैं आज के शिफ्ट में। बाकी बात जिनका तैयारी अच्छा होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर कीजिए। बाकी बात हम सारे शिफ्ट का रिव्यू आप लोग को देते रहेंगे और यहाँ भी क्वेश्चन शेयर करते रहेंगे, ठीक है। बाकी बात चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जो भी नहीं सब्सक्राइब करो जल्दी से शौक है कि फैमिली पूरा कराओ यूट्यूब चैनल पे, फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। बाकी बात मिलते हैं हम एक और न्यू वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।